उज्जैन में किसान बिल के विरोध में तिरंगा लेकर सांसद के घर का घेराव करने युवा किसान अकेला पहुंच गया। बड़नीगर में एक युवा किसान द्वारा किसान बिल के विरोध में हाथों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह युवक महाकाल मंदिर से पैदल चलकर कोठी महल होते हुए सांसद के घर खुद घेराव करने पहुंचा है। खास बात यह है कि इस युवक ने अपने शरीर पर सरकार के विरोध में तख्तियां लगा रखी है। देश भर में किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इसका असर कम ही देखने को मिला है, लेकिन बड़नगर के युवक अखिलेश धाकड़ आज उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर से अपने हाथों में तिरंगा लेकर कोठी भवन होते हुए सांसद अनिल फिरोजिया के घर का घेराव करने के लिए अकेले पहुंच गए। अखिलेश धाकड़ ने कहा कि देश भर में किसानों द्वारा किसान बिल का विरोध किया जा रहा है, इसके चलते यह कदम उठाया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये रैली नहीं है, एक्चुअली एक धरना प्रदर्शन है। किसानों का भी देश के अंदर आंदोलन चल रहा है नए कृषि बिल कानून के विरोध में। सभी कृषि संगठन जो दिल्ली में अभी कृषि आंदोलन में लगे हुए हैं, उन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि 13 दिसंबर तक अगर सरकार किसानों की मांगों को मानते हुए इस नए कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तो 14 तारीख के दिन पूरे देश भर में किसान अपने अपने क्षेत्र में सांसद के बंगले का घेराव करेंगे। तो उसी तारतम्य में मैं आज यहाँ उज्जैन आया हूँ। मैं बड़नगर का रहने वाला हूँ, बड़नगर विधानसभा है मेरी और उज्जैन लोकसभा लगती है, तो इस नाते मैं उज्जैन आया हूँ। और यहाँ पे जो हमारे सांसद है अनिल जी फिरोजिया भारतीय जनता पार्टी से, उनके बंगले का घेराव करने आया हूँ किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में। तिरंगा लेके आप आए, पैदल जा रहे हैं? जी हाँ, ये तिरंगा ही हमारी एक पहचान है। इस तिरंगे की छत्र छाया के नीचे रह के हमारे ऊपर जो भी अत्याचार होंगे, हम उस अत्याचार का प्रतिकार करेंगे। कहाँ से पैदल आ रहे हैं? जी मैं महाकाल मंदिर से पैदल आ रहा हूँ। क्या नाम है? जी मेरा नाम अखिलेश धाकड़ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।